मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब वो बात अपनी सबके सामने रखें और डॉक्टर साहब का जोरों शोरों से स्वागत कीजिए। पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भाई, जितने भी हमारे यहाँ स्टेट महाराष्ट्र के यहाँ पहुँचे, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस्तादों का भी, अपने फॉलोअर का जो यहाँ आए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो 8 साल से जो हम मेहनत कर रहे हैं कि घर घर नस्ल हर घर नस्ल, उसमें क्या आ रहा, लोग बाग धोखा दे के भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है कि यार ये तरक्की कैसे होगी, कि हम अच्छा काम कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर कोई अपना अल्लाह सीधे करके अपना पल्ला झाड़ लेता है, निकल लेता है, ठीक है ना। हम किसी को अच्छे कबूतर देते हैं, वो नस्ल बना के वो अपना अलग चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात कि आपका सबका सपना, हाथ खड़े करो, कौन चाहता है कि मेरा कबूतर ना उड़े, हाथ खड़े करो, कोई नहीं कर रहा है, हर कोई चाहता है कि मेरे उड़ने चाहिए। तो आप सब यूट्यूब देखते भाई, देखते हैं ना, उस पर क्या देखते हैं, मेरे को ये कबूतर अच्छा मिलना, और उस पर सभी बैठे क्या कहते हैं, ये चैंपियन है, बोलते हैं ना चैंपियन है, प्योर है, राजन वाला है, धन्य वाला, पुन्नू वाला, मतलब कलर मैच हो जाने से गधा घोड़ा नहीं होता भाई, मैं हमेशा बोलता है हमें, ठीक है ना। तो हर कोई यूट्यूब पे अपने आप को बोलता है मेरे पास चैंपियन ब्रीड है, मेरे से लो, रिजल्ट 10 में से 1-2 को मिलता है, या नहीं पैसे मर रहे हैं ना सब लोगों के। तो आपका पैसा ना मरे, 8 साल से भाई ईमानदारी से नस्लों के ऊपर मेहनत कर रहा है, मैं पैसों के ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, एक ये दिखाने के लिए कि यूट्यूब पे कोई बैठा है जो सिर्फ नस्ल ही नस्ल करता है, पैसा पैसा नहीं करता बिल्कुल भी, ना पैसों के पीछे भागता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से ऐसा दिमाग में डाला कि यार ये नस्लें बंदों को मिले, उनके सपने साकार हो, कैसे पता चले। तो देखो अचानक से हमारे माइंड में ये डला, जो आजकल रिंग कबूतर के पैरों में डलती है ना, उस रिंग से क्या क्या पता चलता है, इमरान वाले नीचे मोबाइल नंबर, अब इमरान देखने में कैसा, ऐसा है, पैसा है, ऐसा कैसा है, नहीं पता चलता हमें। और जो कबूतर ले रहे उसके क्या गारंटी है, राजन वाला है, धन्य वाला है, पुन्नू वाला है, ओरिजिनल ब्रीड है, ये बच्चा उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा, कुछ नहीं पता। ये हमने ऐसी वेबसाइट बनाई है अपने इंडिया में, पहली ऐसी वेबसाइट बनाई है, आज के बाद किसी ने भी ब्लड लाइन का कबूतर लेना है अपने घर, शौक करना है, 7 घंटे प्लस वाले को हम अपनी वेबसाइट पर लेकर आते हैं, चलते फिरते को कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हमारी वेबसाइट पर नो एंट्री है। लोगों को ठगने लूटने का जो काम करते हैं ना, जिनको मैं जानता है, उसकी यहाँ नो एंट्री है। क्या वो लाखों रुपए भी देता है ना कि इमरान भाई मेरी ये रिंग बनाओ, नो एंट्री है यहाँ, ईमानदारी जिंदा अभी तक, तो अल्लाह ताला हमें ईमानदारी पे रखे। डॉक्टर साहब, तो नासिक वाले भैया को मैं बुलाऊंगा यहाँ पे और उनके मोबाइल से खोलने लगाएंगे। हाँ, उनके मोबाइल से। ठीक ठीक, ओके, आ जाओ ना, आपका मोबाइल लेके आओ, किसी का भी, एक का मोबाइल लेके आओ, एंड्रॉइड किसी का भी लेके आओ, जैसा ये रिंग के महत्व क्या है वो आपको भी पता चले ना, आप रिंग तो देख ले रहे, आ जाओ इधर। ये रिंग कैसे स्कैन होती है मैं बता देता हूँ, प्ले स्टोर पे जाएं आप, बार कोड स्कैनर लोड कर लें, ठीक है, नहीं तो ये गूगल में कैमरा आता, साइड में कैमरा, उससे भी स्कैन होती, वो थोड़ा टाइमिंग लेती, ऐसे ऐसे करना पड़ता, टाइम लेती, उसके आगे रिंग करो एकदम स्कैन होकर फुल डिटेल आती, मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे होता है। ये गूगल पे सर, ये कैमरा है, ये गूगल कैमरा है, हाँ ये कैमरा खुल गया, उनका कैमरा क्लिक करें, इसको पकड़ के रखो, वो सर्च होगा, कुछ उंगली में तो मारना भी, नेट सर्च हो रहा है, सर्च हो गया, ये आप बताओगे इस पे क्या खुला। इसमें सागर पाटिल भाई जी का नाम आया है और उनका फोटो आया है, एक इसके साथ में नीचे क्या है, एक मिनट वहीं नीचे रखिए, वो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम भी, मतलब इसी में हमने यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डाल दिया है कि आप अपना सोशल काम यहाँ से चला सकते हो, प्लस ये आधार कार्ड की डिटेल, हाँ यहाँ पे उनका सिटी आया है, फोन नंबर है, एड्रेस है, उनका पूरा नाम आया है, ये डिटेल दिया है, ये क्या काम करते हैं, क्या कारोबार, आपके कारोबार की एड इसमें हो जाती, कब से शौक कर रहे, कितने साल से शौक कर रहे, अभी बोल रहे थे वो भाई कि मेरे पास 10 साल पुरानी ब्रीड है, मैं नहीं मानता भाई, यहाँ शो होगा 10 साल बाद जो देखेगा ना कि हाँ ये एंट्री 10 साल पुरानी है, ये बताएगा कि दादा परदादा चल रहा है, ये बताएगा। कबूतर के फोटो भी दिया है इसमें, पंजाबी कबूतर करके, लो मैं समझाता, मैं ये तुमको बताने का माध्यम से, ये बताने का भाई को माध्यम से है क्या, अभी सुनो, ये रिंग भाई के मोबाइल पे खोले, हाँ ठीक है ना, आया समझ में आया, ये रिंग जैसी स्कैन होगी ना, बंदे का चेहरा आ जाएगा, अभी मेरे हाथ में किसका कबूतर,
ये असली ब्रीड है। इसमें इसमें क्या मिलेगा, सुनिए ध्यान से सुनिए, ये धन्य पुन्नू राजन वाले मीर वाले जैसे जितने भी नाम चले वो उस टाइम की पुरानी पित्तल वाली रिंग चलती थी तब उनके चल गए। उसके बाद क्या हुआ, चोर बाजारी चल गई, सभी रिंग बना के पैरों में डालने लगे। अब वो क्या हो रहा है, बेचने वाले सिर्फ प्योर ब्लड लाइन के दो या तीन बच्चे देते, बाकी ये आसपास के गांव के लोगों में छल्ले डलवा के वो बच्चे दे देते कि तीन का रिजल्ट मिला ना ये शांत हो जाएगा, साथ चलता ना। तो ऐसे तुम्हारी कभी नस्ल नहीं बन पाती, तुम्हारा नाम नहीं चल पाता। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे आपका इस ऐसे हमारे सागर पाटिल भाई ने अपने कबूतरों को नाम दिया है 95 वाले, ठीक है, SP 95 वाले, सागर पाटिल 95 वाले, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगली है सोनगिर वाले, शायद भाई हमारे शागिर्द हैं, वो अभी आ नहीं सके, ठीक है जी। और उससे अगली वारशाला है, इसमें हमारे अकरम भाई अभी तक नहीं पहुँचे, उन्होंने अपने कबूतरों को नाम दिया है, जिन कबूतरों ने उड़ान दी गई है। कितनी उड़ान दिखा सकता कबूतर, कितनी उड़ान दिखा सकता, बस सुबह के उड़े हुए ना, पूरा दिन पूरी रात अगले दिन उतरे, कितनी उड़ान चाहिए यार, कितनी चाहिए। जब से 8 साल पहले लोग कहते थे 12 बजे तक बैठ गए ना तो मैं उस्ताद हूँ, वो बिना नुस्खे के उसके रात को 12 बजे बैठ रहे, सुबह के उड़े हुए रात को 12 बजे छेड़ मार के बैठा रहा है, कितनी उड़ान चाहिए। तो उन्होंने अपने कबूतरों की नस्ल को नाम दिया है बुल्ढाना टाइगर, सब ने अलग अलग। और ये हमारे शागिर्द आकिल भाई, इन्होंने कहा था कि इमरान भाई देखो, मैं सीधी सी बात है, मैं पूरे एरिए में अमरावती बोला डॉक्टर इमरान वाले जो तो मैं की है, हाँ तो मैं उसमें डॉक्टर नहीं लिख सकता, क्योंकि डॉक्टर लिखते मेरे हो जाएंगे, इमरान नाम दे सकते, तो हमने इमरान दिया कि इमरान वाले, इनकी रिंग इमरान वाले से बनी, मगर अंदर शो जो होगा ना सारा आधार कार्ड की डिटेल, वो इनकी फ़ोटो, इनका नाम पता, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, कबूतर, कबूतर का नाम, सारा कुछ। तो ऐसी उसके बाद जो है ये सोनगिर होगी, कहाँ गए सम्राट भाई, सम्राट भैया, सम्राट भैया इधर आइए। ये भाई का जज्बा बहुत बुलंद है भाई, ये कहता है मैं उस्तादों को भी मैं टक्कर दूंगा मगर बिना नुस्खे के, बिना नुस्खे के उड़ाता हूँ मैं। ये मेरा आके जो उस्ताद मेरे से आगे बोलते ना कि नुस्खे के बिना कबूतर नहीं उड़ते, 42-47 टेम्परेचर में तुम्हारे लोखंडा ब्रीड उड़ा रहे हैं, तुम लोखंडे के छोड़ के दूसरे खंडों के पीछे भागे फिर रहे। अब नस्ल रखो, उसकी पहचान करनी सीखो, जब तक तुमको नस्ल की पहचान नहीं होगी कि वो कबूतर उड़ता कैसे है, तुम्हारे लिए मलवई भी फेल, तुम्हारे लिए बॉर्डर वाले भी फेल, तुम उसका भी बेड़ा गर्क कर दोगे जोड़ा लगाने के, पता ही नहीं करना क्या है। ग्रुप फोटो ले लेंगे, रफीक शेख उस्ताद ने बोला है कबूतर शाम तक उड़ रहा बाजी में, मादिन भी शाम तक उड़ रही, हम जोड़ा लगाते बच्चा नहीं उड़ता। ये डायलॉग मेरा भी कई सालों से यूट्यूब पे सुना, किसी ने नहीं उड़ता जोड़ा लगाने की जब तक सेटिंग नहीं ना मालूम होंगी, तुम बादशाह नहीं बन जाने के कि बाजी से वो जीता हुआ कबूतर लाया मैं 20,000 का, मद्दी भी लाया मैं 50,000 की, जोड़ा लगाया तो बच्चा नहीं उड़ रहा यार, भाग रहा है, वो सेटिंग का कमाल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने इसमें मान लीजिए, जितने भी भाई बिल्कुल गौर से सुनना ये बात, आने वाला फ्यूचर है अपने हिंदुस्तान का और वर्ल्ड का, इसमें लोग बाग होली होली ऐड हो रहे, काफ़ी ऐड हो रहे, ठीक है ना। जो भी आप नस्ल लेके चल रहे हो, अपना नाम चलाना चाहते हो, कबूतर की फोटो यहाँ आएंगी, उसकी अलग अलग एंगल से, लेफ्ट राइट फ्रंट साइड आँख पंजा सब कुछ उसकी फोटो यहाँ आएंगी। जो है चिंदी चोर पकड़ के चिड़ी मार दुका लेते ना, रंग पेंट करके मुँह पे काला कर देते, देखना रे तेरा नहीं, रिंग भी काट देते, एक काटना रिंग कहने कहाँ रिंग है वे, करते हैं ना ऐसे लोग बाग, उसको यहाँ से एंगल से देखा भाई कितना भी रंग फेर, इसमें जो बाल नजर आ रहे हैं ना तेरे बाप के, ये देख चेहरे पे नजर आ रहे ना, इसके निच्चू भी देख और पिच्छू भी देख, सारे बाल नजर आ रहे ना, साले पेंट कराना मार के मुंह पे तेरे पेंट मैं कर दूंगा, ये मेरे ही है। तो यहाँ सब एंगल से फोटो उसकी मिलेगी नर की, प्लस उसमें क्या और ऐड होता है ध्यान से सुनिए, आपने कबूतर को क्या नाम दिया, मेरे वाले, बुल्ढाना वाले, टाइगर वाले, इमरान वाले, जो भी नाम दिया, जो भी आप अपने गाँव का नाम दे सकते हो, वो नाम आया, आप ब्रीड कौन सी लेके चल रहे हैं जो भी, उसका यहाँ नाम आएगा। प्लस सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, DNA रिपोर्ट, जो भी दुनिया में अपना नाम करना चाहता है कि मेरा ब्लड लाइन प्योर है, ब्लड कहते हैं DNA रिपोर्ट के साथ है, वो यहाँ DNA रिपोर्ट उसकी ऐड होगी, इसी का बच्चा, धोखा नहीं कर सकता बंदा बिल्कुल भी, ठीक है। प्लस उसकी डेट ऑफ बर्थ, बंदा कहता अरे लेके जाना अभी पट्ठा है उड़ेगा, वो 8 साल का कबूतर भी देखने में भी जवान सा लगता होता, बाजा बाजा कबूतर का अंदर स्टैमिना इतना कि वो नहीं लगता, यहाँ डेट ऑफ बर्थ शो होगी कबूतर की, ताकि कोई धोखा ना कर सके तू कौन सी उम्र का बच्चा बेच रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ होगी, तुम्हारे जो घर ब्रीड लेके चल रहे कि ये मेरा बच्चा आपसे 4 साल पहले का है, जाके चेक कर डेट ऑफ बर्थ उसकी, तो यहाँ पता चलेगा वो कितना उड़ा हुआ है, ठीक। उसका रिंग नंबर यहाँ शो होगा, जो उसके पैर में है ना, वो रिंग नंबर यहाँ शो होगा, कहीं पकड़ा गया है भाई इसके पैर में रिंग है ना, ये वेबसाइट पे देख, यहाँ ये देख इसकी फोटो देख, रिंग नंबर देख, ये मेरा है, ठीक। और इसके बाद
साइन मार्क जो मैं बोला था उसके शरीर पे जितने दाग होएंगे ना, वहाँ एक डिस्क्रिप्शन में एक साइड में आता डब्बी में लिखा हुआ कि ये पीली आँख का या काली पीली आँख का, दोनों आँख का, और ये गर्दन पे दाग ले रहा, पीठ पे दाग ले रहा है, जैसा भी कल्सर है सारा कुछ वहाँ लिखा मिलेगा, ताकि धोखा ना हो सके। ठीक, डिस्क्रिप्शन में अभी आप चाहत रखते कि भाई मेरे को ऊपर उड़ने वाले चाहिए, है ना, मेरे को हाई फ्लायर चाहिए डूब के उड़ने वाला, या मेरे को चाहिए बिल्कुल नीचे नीचे उड़ने वाला, वो यहाँ लिखा होगा कि इनका कबूतर जो है ये ऐसे है वो डूब के उड़ता, तो आप ले सकते बड़े आराम से। नहीं तो यूट्यूब पे बेचने वाले क्या करते हैं, हाँ 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 20,000 का डूब के उड़ेगा, तू लेना एक बार 20 तो आने तो देना, अरे लेना, बाद में पता चला वो डूब को छोड़ो गली में डूब गया जाके, बाजू के चिड़ी मार के यहाँ डूब गया जाके, यहाँ जो लिखा है वो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और इस पर इतनी शक्ति है, यहाँ मैं बैठा हूँ जो 8 साल से अपनी मानदेर दिखा रहा ना, यहाँ मैं बैठा हूँ, किसी ने भी धोखे से एक रिंग पड़ोस के बच्चों के पैर में डाल के बेचा है ना और उसका रिजल्ट नहीं आया, मेरे को कंप्लेन करो, उसका रिंग नंबर दिखाओ। वो बच्चा अगर यहाँ वेबसाइट पे ऐड नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो चोरी छिपे उस बच्चे की फ़ोटो खिंचा के मेरे पास ऐड भी करवा रहा है, DNA ऐड नहीं करा सकता वो, गलत तो नहीं बोला ना, वो DNA ऐड नहीं करा सकता, उस बच्चे के अंदर रिपोर्ट नहीं है, वो बच्चे बेच रहा है, 2-3 रिपोर्ट आई तो उसका हम DNA रिपोर्ट कराएंगे, उन बच्चों को मंगा के उसके माँ बाप से मैच करेंगे, नहीं हुआ तो वो बंदा जाली है, चोर है, छिंदी चोर है, उसको यहाँ से उसकी वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, फिर ये रिंग आम रिंग रह जाएगी नॉर्मल जो सरे बाजार में मिलती है, किसी के भी पैर में डाल लो, ये कोई काम नहीं करेगी, तुम्हारा इतिहास इस तरह से मैं ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल। जैसे औरों को बेचने वालों को मौका दिया ना मैंने, चलो घर घर नस्ल बनवाओ, करा कितने को मौका दिया मैंने, है ना, मैंने भी बेचा ना, हाँ मैंने बहुत सो किया, चलो तुम भी करो, मगर क्या जिसकी दुकान चल गई, जिसका चैनल चल गया तो क्या था, इमरान के अब तो हम उस्ताद हो रहे, ठीक है ना, उनकी उस्तादी यहाँ ख़त्म होगी जो चिंदी चोर है, यहाँ कोई धोखा नहीं दे सकता। ये ऐसी वेबसाइट है, अगर आप चाहोगे मेरे को ऐसा उड़ने वाला चाहिए, यहाँ चेक करो वेबसाइट पे, बच्चे की फ़ोटो आएंगी, उसका DNA रिपोर्ट आएंगी, उसकी उड़ान आएंगी कि पहली गली में कितना उड़ रहा, कहाँ जा रहा है, तो आप कहोगे ये बच्चा मेरे को दो ना रे, तो आप वेबसाइट के जरिए आप बच्चे ले सकते हो प्योर ब्लड लाइन के, जिनके टाइमिंग दे रहे। ये यूट्यूब वाला काम आने वाले टाइम में मद्दा पड़ जाएगा, जो लोगों का उल्लू बना रहे बिल्कुल, कि हाँ मेरे से ले लो भैया शाम तक के उड़ते हुए, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, सही है सही, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, मौला का हुकुम है, थोड़ा सबर से चलना फल मिलेगा, मैं वो कर रहा हूँ, मैं 8 साल से सबर कर रहा, लोगों की गाली सुन रहा, कितने इल्ज़ाम लोग मेरे पे लगा रहे, मैं सबर कर रहा क्योंकि इम्तिहान ऊपर भी जाके अपने पास करने का है, मेरी ईमानदारी ज़िंदा है, मैं लेके चल रहा, मेरे को कोई लालच नहीं है, मगर हिंदुस्तान में नाम करके जाने का कि यूट्यूब पे कोई ईमानदार मुसलमान बैठा है जो घर नस्लों पे मेहनत कर रहा है, और यहाँ से नस्ल मिल रही तुम्हारे घर नस्ल बनेगी, यहाँ से तुम बच्चा लोगे अपने घर उड़ा सकते हैं आराम से, तो ये सही है या गलत है, आने वाले टाइम में काम करेंगे ना ये, तो ऐसी चीज़ अपने कबूतरों के पैरों में रखो और दिखाओ उनको, और आने वाले टाइम में इसमें हम एक GPS का सिस्टम रखेंगे कि जब उड़ान हो ना वही रिंग उसके पैर में डालो GPS वाली, वो खाली मोबाइल में देखो, क्योंकि मोबाइल ये बाजी खेलने वाले क्या करते, बेईमान होते आधे से ज़्यादा जो वकील छत पे जाते, मौका ढूंढो इसका कबूतर काटने का, बस किसी भी तरह करके तू काट जा, होता ना ऐसे, अब कबूतर डूब के उड़ रहा भैया मैं तो काटूंगा नहीं दिख रहा, तो उसको ऐसे बोलने लगा ये GPS में देख तेरा बाप ना ऊपर उड़ रहा, देख छत के ऊपर बिंदी बोल रही है, टिप टिप टिप, बोलने का नहीं, चुपचाप यहाँ बैठ, ये जूते से मारूंगा, ऊपर से आएगा ऊपर से दूंगा मैं, तो जो उस्ताद लोग ये टाइम रखते हैं ना 3 घंटे में काट दूंगा 4 घंटे में काट दूंगा, अरे हमारे मौला ने बोला कि मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले देनी चाहिए, अब वो इतने टाइम से मजदूरी ऊपर करके आ रहा, तुम उसके काटने में चक्कर, तुम हराम होगी तुम्हारी बाजी, बेईमानी से जीत रहे तुम बाजी, वो सारी हराम होगी, तुम्हारी ट्रॉफी हराम, तुम्हारे जीते हुए पैसे हराम, क्यों, तुमने सारे गलत काम किए हुए, वो GPS तुम्हारी पोल खोलेगी, वो दिखाएगी ये कबूतर मेरा यहीं है अभी, अगर वो यहाँ से आगे जाता ना मालेगांव से, वो GPS में दिखता ना बिंदी, अरे यार ये तो चला गया इधर मनमाड़ चला गया निकल गया, मगर अभी टाइमिंग है ना, आ रहा टेंशन ना लो भाई, मैं तुमको दिखाऊंगा आ रहा बच्चा आ रहा है अभी आएगा, टेंशन बैठा नहीं, जहां वो बैठेगा ना बिंदी बता देगी बैठा आ रहा है, वो आ गया, हाँ देखो चेक करो इधर से आ रहा, देखो वो आ रहा है, वो सब बताएंगी, बेईमानी हम आने वाले टाइम में अल्लाह ने चाहा ना, ईमानदारी जिंदा रखो, मर के जान हमने देनी है, ये नहीं खाली मुसलमान को बोल रहा, अपने हिंदू भाई भी कहते ना स्वर्ग नर्क हर धर्म में है भाई, कितना भी बेईमानी से कर लो तुम पीछे तुम्हें सब गाली देंगे, कितने भी बड़े उस्ताद बन जाओ तुम पीछे तुम्हारे बजल के बाजू बैठना लगेगा, साला हरामखोरी से जीता है, ईमानदारी जिंदा रखो, तो ये देखो अल्लाह ने हमारी ईमानदारी दी, तो अल्लाह के शुक्र से देखो ये बड़ी उम्र के सब बैठे हैं यहाँ, पैसे नहीं बैठे, अगर मैं चिंदी चोर होता तुमको लूटने वाला भाई चलना मानना 36 घूमते इसके जैसे, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा साथ दो यार ईमानदारी के साथ, तो हम जितनी जल्दी हो सके हिंदुस्तान में ऐसी उड़ान दिखा देंगे, बाहर दे देश वाले कहेंगे अरे यार अगर कहीं उत्तर उठ रहे ना ये इंडिया को कोई पीछे नहीं कर सकता,
मगर तुम्हारी ईमानदारी मेरे साथ नहीं टिकती। बस जहाँ कबूतर अच्छे उड़े ना, ये दूसरे उस्ताद के गले में माला डाल रहे, उधर जा रहे। अगर अभी ईमानदारी से हिंदुस्तान के लोग ईमानदारी के साथ अगर अपने दीन ईमान को, अपने भगवान को मानते ना, यूट्यूब पे अगर तुमने देख के हमारी सेटिंग करी अपने जोड़ों की, या मेरे हाथ से कबूतर लेके गए, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, आधा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा कि हाँ हमने इमरान भाई को देख के ऐसे काम किया है, ठीक है ना। मगर क्या अपने आप को उस्ताद कहलवाते, अबे चलना इसको क्या पता, खाली यूट्यूब पे इतनी लंबी लंबी फेंकता है, ये बोलता है हमको देख बाजी तो हम खेल रहे। उनसे पूछो कब से खेल रहे, 8 साल पहले तुम्हारा क्या रिकॉर्ड था, 8 साल पहले तुम्हारा क्या रिकॉर्ड था। अरे ये उड़ान तो अब बढ़ रही ना, 4-5 साल से आ रही ना शाम तक। ये उस्ताद लोग जितने भाई आप उस्ताद हो, ये 4-5-6 साल से आ रही ना ज़्यादातर उड़ान शाम तक की। पहले सारा खेल 12 बज जाए किसी तरह तो मैं उस्ताद, 1 बज जाए तो मैं उस्ताद, 2 बज जाए तो मैं उस्ताद, अभी क्या शाम छोड़ी बढ़ रही, ओपन टाइम चाहिए। तो ये चीज़ ओपन टाइम आ रही निकल के, इस पर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा पंजाब मेहनत करता है, हमारे पंजाब के जितने उस्ताद है खिलाड़ी वो ब्लड लाइन पे मेहनत करते, हम वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ईमानदारी जिंदा रखो, सही का साथ दो तो हिंदुस्तान चमकेगा कि हाँ यहाँ से कबूतर लो, नहीं तो तुम सारी उम्र ना पैसे बर्बाद करते रह जाओगे, ना अपना नाम करोगे ना नस्ल कराओगे, खाली एक ट्रॉफी जीतने के लिए बेईमानों के साथ जुड़ जाओगे, बेईमानी से नुकसान लगा, बेईमानी से पैसा वगैरह ये कर वो कर, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब ऊपर जाओगे तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा कितना बेईमानी से जीता, इधर आ खोपचे में है ना बोलते ना अकरम बे, तो ऐसा नहीं करने का यार, इंसानियत दिखाओ, इंसानियत, इंसानियत जिंदा है ना सब काम अच्छे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये मैं काम अच्छा कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ हमारा साथ दें आप सब मिलके। क्या इमरान भाई इसमें हम अपनी नस्ल ऐड कराएंगे, हम अपनी नस्ल जो है हिंदुस्तान ने, ये रिंग खाली है यहाँ नहीं, ये रिंग बाहर भी जाएंगे ना, कोई से भी देश चले जाए, क्रोम गूगल ऑल वर्ल्ड काम करता है, तो कोई भी इसको स्कैन मारेगा वहाँ दिखेगा, ए इंडिया का कबूतर देखो यार यहाँ आए, इसका रिकॉर्ड चेक करो यार, इसके कितनी नस्लें, कितने कबूतर है, कितने बच्चे, से बच्चे मंगाओ ना रे, रात 12-18 घंटे उठ रहे, इसके बच्चे चाहिए, सही है ना। तुम्हारा कबूतर जोड़ेगा वो सारा रिकॉर्ड यहाँ से होएगा। जो कहते हैं अभी किसने कहा था मेरे को यहाँ कि मेरे पास 10 साल पुरानी, अरे हाँ तो तुम्हारे साथ जो आए कहाँ गए, जफर भैया, जफर नहीं अम्मू भैया, हाँ दूसरे जो थे कमलेश भैया, हाँ कमलेश, कमलेश भैया, हे कमलेश भैया इधर आओ, ये कमलेश भैया की भी उम्र माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो इनके घर भी हम गए थे, कुछ करा हमने ऐसे आ गए थे, नहीं नहीं घर पे आए थे, उन्होंने जोड़े किस टाइप से लगाना क्या लगाना सब कुछ समझा के गए, आज मैं वही टाइप से जोड़े लगाए हुए हैं और कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं अपने यहाँ पे अमरावती शहर में। अगर इस तरह अगर सारे सच बोल जाए ना, हमारा नाम अलग ही नजर आएगा। तो ये इनकी ईमानदारी जो इस तरह बोल रहे, अब मेरे खास रिश्तेदार यार दोस्त मेरे हाथों से कबूतर ले जाके ना लगातार टूर्नामेंट मोटरसाइकिल जीत रहे, ये कह के राजी नहीं है कि हाँ इसमें इमरान का हाथ है, वो अपने आप को उस्ताद दिखा रहे हैं, हम यहाँ मार खा रहे। अभी ये क्या बोल रहे थे मेरे को, कितने साल पुराने कबूतर, 10 साल पुराने कबूतर अपने, 10 बार ये 10 साल बोल रहे, मैं कैसे यकीन मानूँ, है कोई रिकॉर्ड है नहीं, यहाँ होता तो वैल्यू होती ना 10 साल की, ये 10 साल पुरानी यार कितनी अच्छी ब्रीड है, इनका बच्चा होना मेरे घर, यहाँ से वैल्यू बनेगी आपकी मार्केट में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। तो आने वाले टाइम का कबूतर का फ्यूचर ये है, ये आपको नस्ल ब्रीड दिलवाएगी जो शाम शाम कबूतर उड़ेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं